माइनक्राफ्ट में पार्कौर करना सबके बस की बात नहीं होती। क्या मैं ये सारे माइनक्राफ्ट का पार्कौर चैलेंजेस कर पाऊंगा या फिर मेरा पेशेंस और कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्या होने वाला है। इस वाले मैप में इजी डिफिकल्टी भी है, मीडियम वाली भी है एंड हार्ड वाली भी है। क्या मैं ये कर पाऊंगा या फिर फेल हो जाऊंगा? वैसे मैं अपना पूरा 100% देने वाला हूँ इन चैलेंजेस को करने के लिए। और यहाँ से हमारा गेम प्ले स्टार्ट होता है। ये लेवल 1 इजी मोड है ऐसा इसमें लिखा हुआ था, तो मुझे लगा एकदम से आसान होगा और मैं आराम से चिल होकर जा रहा था। ग्रीन ब्लॉक्स के ऊपर जंप लगा रहा था, उसके बाद आगे थोड़े दूर मुझे दिख रहा था ये जो ग्रीन स्टेंड ग्लास है ना, वो दिख रहा था। तो मुझे लगा मैं आराम से कर पाऊंगा, ब्लॉक्स मेजर करके आराम से मैं जंप लगा के जा रहा था। लेकिन उसमें मेरे साथ कुछ ऐसा होता है आगे जाके कि मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है एंड मेरा जो पेशेंस लेवल है वो भी एकदम कम हो जाता है। मतलब मेरे को शांति से मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ, ऐसा होता है मेरे साथ यहाँ पर इस जगह पर। लेवन वन है इजी मोड सोचकर मैं आराम से चिल होकर खेल रहा था, लेकिन ये तो ये साला हार्ड निकला रे। कुछ भी क्या क्या सोच के मैं ये खेल रहा था, मतलब फुल जोश में था, एकदम से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया, मेरा पेशेंस भी खत्म होता जा रहा था। मतलब मैं बिना सोचे एकदम से जंप लगा रहा था, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। कॉन्फिडेंस मेरा काफ़ी कम हो चुका, लेकिन धीरे धीरे मैं आगे आ चुका था काफ़ी एंड मुझे अभी थोड़ा सा ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर एंडिंग में ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड दे दिया हो या फिर बैरियर ब्लॉक लगा दिया हो बीच में, जहाँ से मैं टकरा कर नीचे भी गिर सकता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, इसलिए अभी सोच समझ के मैं आगे बढ़ा था। फाइनल लेवल ख़त्म हो गया मेरा। देखने में तो लेवल 2 लेवल 1 से काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा था और इसलिए मैं फुल कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ रहा था। और मैं अभी भाई पेशेंस भी मेरा वापस आ चुका था, क्योंकि एक लेवल मैंने पार कर दिया था एंड आराम से मैं जंप लगाकर आराम से आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसमें आगे कुछ होता है ऐसा, गेम वालों ने हमें भटकाने के लिए यहाँ पर एक ऐसी चीज़ लगा के रखी है जिसकी वजह से हमें टकरा कर नीचे भी गिर सकते हैं। यहाँ पर एक बैरियर ब्लॉक लगाया हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ था लास्ट टाइम मैं यहाँ पर से टकरा कर नीचे गिर गया था, लेकिन मैं समझदार हुआ इसकी वजह से मैं दूसरी बार समझ गया कि यहाँ पर बैरियर ब्लॉक है एंड ईजिली मैं इसके ऊपर जंप लगा के आगे निकल गया। एंड मुझे लग रहा था कि मैं अब यह लेवल कम्प्लीट कर दूँगा थोड़ी देर में, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे साथ आगे कुछ ऐसा होने वाला है। मतलब मेरे को पता नहीं था ना, इसी वजह से क्या हुआ अचानक से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से डाउन हो गया एंड मेरा पेशेंस लेवल भी एकदम से ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। और मेरा पेशेंस कम होने की वजह से क्या हुआ, मैं मतलब सोच नहीं रहा था कि कैसे जंप लगाना है, क्यों लगाना, बस मैं आगे ही जा रहा था आगे ही जा रहा था। और कई बार तो जंप लग रहा था लेकिन मैं आगे ऑटोमेटिक आगे चला जा रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। और बार बार गिर रहा था, ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ बार बार, और ऐसा ही होता रहा बहुत बार तक ऐसा होता रहा। लेकिन उसके बाद मैंने शांति से बैठ के सोचा तब जाकर, लेकिन ये देखो और भी कितनी बार गिनना पड़ेगा मेरे को, मैं भी अभी एडिटिंग कर करके थक चुका हूँ, ये क्या 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 करना पड़ता है। और इसको देखो भाई, धोबी का कुत्ता, ना तो घर का ना तो घाट का, इधर भी नहीं जा सकता, उधर भी नहीं जा सकता, उधर से भी नीचे गिर गया, मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है इसमें। एंड अभी फिर से वंस मोर अभी 20 का नंबर ख़त्म ही कर देते हैं एंड अभी फाइनली, हाँ अभी हो जाएगा, अभी कम्प्लीटली हो जाएगा, क्योंकि 20 बार हमने ट्राई किया, अब तो फाइनली हो जाना चाहिए। बस शांति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अभी देखते क्या होता है। हो गया, यहाँ पर लेडर के ऊपर जंप लगाया, लेकिन मेरे को फिर से डर लग रहा है क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर इसने लगाया बैरियर ब्लॉक एंड ठीक से मुझे जंप लगाना होगा, नहीं तो मैं टकरा कर नीचे भी गिर सकता हूँ। उसकी वजह से फिर से मेरे को वापस से ये सब करना पड़ेगा, ये 40-50 बार मेरे को ट्राई करना पड़ेगा। इसलिए अभी काफ़ी नज़दीक हूँ, इसलिए सोच समझ कर एकदम से धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ एंड ये जंप लगाया एकदम मैं बच गया, लेवल कंप्लीट। और ये लेवल 3 सब लेवल्स का बाप लगता है, क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं है कहाँ जाना है, थोड़ा इधर उधर घूमना पड़ेगा मेरे को, फिर मेरे को समझ आएगा कि मेरे को क्या करना है। अभी देखो मैं सिंपली समझा देता हूँ, जो राइट साइड है ना उधर जो वाइट ब्लॉक्स लगे ना, उधर सेम साइड लेफ्ट साइड पर बैरियर ब्लॉक लगे, मतलब राइट साइड देखकर हमें लेफ्ट साइड जंप लगाना होगा एंड हमें पता नहीं, हमें ऐसा समझना है कि हम अंधे हैं, हमें बिल्कुल दिखता नहीं, मतलब एक आंख से नहीं दिखता हमें, बस राइट आंख से दिखता है, ऐसा हमें सोचना पड़ेगा। मतलब हम अंधे नहीं है लेकिन यहाँ पर इसने बैरियर ब्लॉक लगा के रखा है, इसलिए हमें सोचना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा, फिर जंप लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बार बार इसमें घूमते रहेंगे, एक लूप बन जाएगा, फिर इसमें से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। आई नो अभी भी और बहुत सार बार हमें गिरना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ ब्लॉक्स दिखाई नहीं दे रहे कि कहाँ पर है ब्लॉक, क्योंकि बैरियर ब्लॉक है। मतलब इजी मोड देकर, मतलब मेरे को लगा था इजी मोड में बिल्कुल इजी होगा, सिंगल जंप लगाना होगा, लेकिन इसमें तो डायरेक्टली ऐसे बैरियर ब्लॉक्स लगा कर रखे, मेरे को मालूम नहीं अभी मीडियम में जाके आगे क्या क्या होगा, इसलिए मैं मीडियम का सोचूंगा ही नहीं, पहले इसको कंप्लीट करूंगा। 20 बार मैं ऑलरेडी गिर चुका हूँ, अभी पता नहीं, अभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो अभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ एकदम से धीरे धीरे, मतलब पीछे जाकर एकदम से शेर की तरह एकदम
ऊँचे ऊँचे जंप लगा के मुझे जाना होगा, तभी मैं इस लेवल को क्लियर कर पाऊँगा। स्ट्रेटजी आई मीन स्ट्रेटजी बना के मुझे जंप लगाना होगा, नहीं तो फिर क्या होगा पता नहीं मेरे साथ। वापस से कितनी बार जाना होगा, 20 बार ऑलरेडी ट्राई कर लिया। मतलब कोई भी चैलेंज हो, मतलब लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, 20 बार मैं गिरा, उसके बाद सुधर गया, मेरा दिमाग सुधर गया कि अब और गिनना नहीं है। अभी मेरे को मेरा माइंडसेट समझ आ गया, इजी मोड में अगर जीतना है तो 20 बार गिनना होगा। आप ही समझ लो, मैप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने नहीं बनाया लेकिन जिसने भी बनाया है डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट दे दिया, जाकर देख लेना। मेरे को स्ट्राइक मत देना, और ये लेवल फाइनली मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी मीडियम में देखते हैं हमारे साथ क्या क्या होता है। यही नहीं, और ये मीडियम में क्या ये स्लाइम ब्लॉक्स लगा के रखे हैं मेरे को, मतलब जंप करूं या फिर स्क्रीन लेफ्ट राइट करूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल। कितनी बार गिनने वालों मेरे को मालूम नहीं, मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा आई थिंक, क्योंकि इसमें जंप करना है। एंड ये इस ब्लॉक पे एक तो दौड़ भी नहीं पा रहे हम, बस चिपक से जा रहे एकदम से, चल भी नहीं पा रहे, क्या चीज़ है समझ नहीं आता। मतलब स्क्रीन रोटेट करे या फिर जंप करे, मैं आगे जाकर ये कंट्रोल भी चेंजेस करने का ट्राई किया लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आई थिंक ये पीसी प्लेयर्स के लिए ये वर्ल्ड बनाया है या फिर इसमें बैरियर ब्लॉक्स है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने सब चीज़ें ट्राई करके देखी, इस वाले ने स्लाइम से एकदम से जंप करके जाता हूँ मैं, बहुत बार ट्राई किया, कभी कभी तो स्लाइम में भी जंप नहीं हो रहा है। स्लाइम में कभी जंप करता हो तो बाउंस नहीं होता, बाउंस कर करके थक गया, बाउंस नहीं होता, उसमें मेरी क्या गलती। 14 बार तो मैं ऑलरेडी गिर चुका हूँ, पता नहीं अभी कितनी बार गिरूंगा। एंड मुझे पता है इसमें बहुत ही देर लगने वाली है, या फिर मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर बाहर निकलने वाला हूँ, कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें कितनी बार बाउंस करके जंप लगे, कभी कभी नीचे नीचे ही देखो बार बार ऐसे गिरना, पता नहीं और कब तक होगा मेरे साथ। ये मीडियम लेवल है, मेरे को हार्ड में अगर ऐसा देते तो चलता, उसमें वो लोग कर पाते जो एकदम से प्रो स्किल्ड प्लेयर्स है, मेरे जैसे क्या कर पाएंगे। मैंने तो वीडियो का स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं तो बिगिनर हूँ, अभी मैं इतना रेगुलरली पार्कौर थोड़ी करता हूँ, मैं एकदम से नॉर्मल प्लेयर हूँ। 27, 28, 29, 30 पता नहीं और कितनी बार मुझे गिरना होगा। एंड अभी मुझे समझ आ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं 100 बार ऑलरेडी ये कर चुका हूँ, आधे घंटे तक ये मैप में खेला हुआ है। और अभी आप याद करो कि मैंने जब वीडियो स्टार्ट हुआ था ना, तब मैं क्या बोला था, माइनक्राफ्ट में पार्कौर करना सबके बस की बात नहीं होती,